वहीं बुधवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी घोषणाएं भी की। कुछ वर्ग के लोगों की उम्मीदें इस बजट पर खरी उतरी तो कुछ लोगों में निराशा भी छाई। इसी बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। बजट पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। यह देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं का बजट है। इसके साथ ही अरुण साव ने यह भी कहा कि यह बजट रोजगार पैदा करने वाला और भारत को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृत काल का बजट है, यह गांव, गरीब, किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है, ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है, हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है और निश्चित रूप से यह बजट स्वागत योग्य है, देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा।